गाइज, यह कहानी एक ऐसे राइटर की है जो कि अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से पीछे नहीं हटता। गाइज, मूवी का नाम यंग एडम है। दोस्तों, मूवी में फ्लैशबैक और प्रेजेंट की कहानी को एक साथ दिखाया गया है, इसलिए मैं इस मूवी को दो पार्टों में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, फ्लैशबैक में हम जॉय नाम के एक राइटर को देखते हैं जो कि एक बीच पे बैठा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आकर बैठ जाती है जिसका नाम कैथी होता है। फिर तभी वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जॉय सीधा जाकर कैथी से बात करने की कोशिश करता है। कैथी भी उस पर इंटरेस्ट दिखाती है। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जॉय से पहले कैथी का एक प्लम्बर डैनियल के साथ अफेयर था। डैनियल एक शादीशुदा आदमी था, जिससे कैथी और डैनियल का रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जॉय एक हैंडसम और चार्मिंग आदमी था, जिससे जॉय से थोड़ी देर ही बात करने के बाद कैथी जॉय को पसंद करने लगती है और उसके मन में कई उम्मीदें जगने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताने लगते हैं। इसी बीच दोनों में सेक्सुअल रिलेशन भी बनता है। जॉय एक यंग राइटर था जो कि नोवेल लिखना चाहता था। इसके अलावा उसके पास ना ही कोई काम था ना ही घर, इसलिए कैथी उसे अपने पास रहने के लिए बुलाती है। जॉय मान जाता है और कैथी के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने लगता है। कैथी दोनों का गुजारा करने के लिए ऑफिस में काम करने लगती है। तब जॉय दिन भर टाइपराइटर के सामने बैठे सिगरेट और अल्कोहल पीता रहता है, क्योंकि उसके पास नोवेल लिखने के लिए ना ही कोई इंस्पिरेशन थी ना ही कोई आइडिया। जब कैथी ऑफिस से घर आती है और जॉय से बात करने की कोशिश करती है, तो जॉय दिन भर का गुस्सा कैथी के ऊपर निकालता है। इसी चीज को लेकर कैथी और जॉय के बीच में लड़ाई हो जाती है और जॉय कैथी का अपार्टमेंट छोड़ के चला जाता है और अपने टाइपराइटर को नदी में फेंक देता है। यहाँ जॉय की मुलाकात लेस नाम के एक आदमी से होती है। लेस जॉय को अपनी बोट में काम करने का ऑफर देता है। दोस्तों, लेस अपनी पत्नी एला और बच्चे जेम्स के साथ बोट में रहता था। जॉय बोट में काम करने के लिए मान जाता है और जॉय के संग बोट में काम करने लगता है। यहाँ काम करते हुए जॉय अक्सर कैथी से मिलने जाया करता था। वे दोनों एक क्लीनरी के किनारे एक गैरेज में मिलते थे और एक दिन उसी गैरेज में उन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन भी बनता है, जिसके बीच में कैथी जॉय से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और वह उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जॉय उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वह कहता है कि वह उसके लायक नहीं है। कैथी उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी दोनों के बीच में बहस हो जाती है। जॉय वहां से उठ के जाने लगता है। कैथी उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे उसके पीछे भागती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। कैथी को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वह डूबने लगती है। अंधेरा होने के कारण जॉय भी उसे ढूंढ नहीं पाता और वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह कैथी के बैग से अपने फिंगरप्रिंट मिटाकर बैग को नदी में फेंक देता है और उसके कपड़ों को ट्रक में फेंक देता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है। इस मूवी की शुरुआत भी यहीं से होती है, जहाँ जॉय नदी के किनारे बैठा होता है। तब कैथी की लाश उसे तैरते हुए मिलती है। यह देखकर लेस और उसकी वाइफ लाश को पानी से बाहर निकालते हैं और पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर। लाश को देखकर जॉय को कैथी के प्रति अफसोस होता है, पर वह इसके बारे में किसी को नहीं बताता कि वह कैथी को जानता है। जॉय का अफसोस बस कुछ दिनों का होता है, क्योंकि कैथी के मरने के कुछ दिन बाद से जॉय की नज़र अब लेस की वाइफ एला पे होती है और वह उसे चोरी छुपके देखने लगता है। हालांकि लेस और एला पति पत्नी थे, मगर दोनों की शादीशुदा जिंदगी में प्यार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लेस एक शराबी था जो कि सारे पैसे शराब में खर्च कर देता था। शराबी होने के कारण लेस एला को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी नहीं दे पाता था, जिसका फायदा उठाकर जॉय एला को सेड्यूस करने लगता है। अपने पति से शारीरिक सुख न मिलने के कारण एला भी जॉय के प्रति ढलने लगता। तब एक दिन लेस जेम्स को लेकर एक मेले में गया होता है। तब दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनता है। इसके बाद अब जॉय और एला लेस के ना होने पर लगातार इंटीमेट होते थे और उन्हें अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि लेस को इसके बारे में पता चल जाएगा। एक दिन लेस दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है और तब इसके बारे में लेस जॉय से बात करता है। जॉय कहता है कि वह दोनों की जिंदगी से दूर चला जाए, मगर लेस इतना अपसेट होता है कि वह जॉय को बोट में छोड़कर वहां से चला जाता है। बाद में एला और लेस एक जगह मिलते हैं, जहां एला लेस से डिवोर्स की बात करती है। इसके बाद जॉय और एला उसी बोट में रहने लगते हैं। एला अब जॉय से शादी करना चाहती थी, पर इस बात से जॉय खुश नहीं था, क्योंकि उसका संबंध केवल एला से सेक्स के लिए बस। एक दिन एला को अपनी बहन वेन का लेटर मिलता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तब एला और जॉय उससे मिलने जाते हैं। एला अपनी बहन को दिलासा दिलाती है और कुछ दिन अपने साथ रहने को कहती है, ताकि वह अपने पति के मरने के दुख से उबर सके। वेन जॉय को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। एक दिन वेन और जॉय फिल्म देखने के बहाने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ ड्रिंक करते हैं। फिर वे एक सुनसान जगह पर जाते हैं और आपस में इंटीमेट होते हैं। अचानक
ऐसे ही एक दिन एला को वेन और जॉय के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वह बोट छोड़कर चली जाती है। वेन भी उसे नहीं रोकती क्योंकि वह जॉय से प्यार करने लगी। जब जॉय को यह पता चलता है कि एला बोट छोड़कर चली गई है तो वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वह भी बोट छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जॉय बार में एक आदमी से मिलता है जो जॉय को कम पैसों में घर रेंट में देने को कहता है। जॉय उसकी ऑफर को मान लेता है। इसके बाद वह आदमी जॉय को अपनी पत्नी से मिलवाता है जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ भी जॉय का जलवा चलता है और वह उस आदमी के घर में रहने लगता है। जब वह आदमी काम पे गया होता है तब जॉय उसकी पत्नी के साथ सेक्स करने लगता है। इसके बीच में कैथी मर्डर केस की सुनवाई होती है और लैस और जॉय को स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है क्योंकि इन दोनों ने लैस को सबसे पहले देखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस ने एज अ क्रिमिनल डेनियल को पकड़ा है। गाइज आपको बता दूं कि डेनियल वही प्लम्बर है जिसके साथ कैथी का जॉय से पहले अफेयर था। उसके ऊपर कैथी के साथ अवैध संबंध बनाने, उसे प्रेग्नेंट करने, उससे पीछे छुड़ाने और उसकी हत्या करने का जुर्म लगाया जाता है। बाद में कोर्ट सारे गवाह को मद्देनजर रखते हुए आरोप की पुष्टि करती है और डेनियल को फांसी की सजा सुनाती है। कोर्ट में बैठा जॉय ये जानता था कि डेनियल निर्दोष है लेकिन वह चुप रहता है। वह कोर्ट को एक अननोन लेटर लिखता है जिसमें यह लिखा होता है कि डेनियल निर्दोष है और कैथी की डेथ एक एक्सीडेंट, लेकिन कोर्ट उस लेटर को अनदेखा कर देती है और डेनियल को फांसी दे देती है। हालांकि डेनियल के लिए जॉय को हमदर्दी होती है फिर भी वह अपना मुंह नहीं खोलता। मूवी के एंड में जॉय उसी नदी के किनारे जाता है और पानी को कुछ देर देखने के बाद वह अपने अगले शिकार के खोज में निकल जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। गाइज अगर जॉय के कैरेक्टर में नजर डालें तो वह एक स्वार्थी, मतलबी, बेईमान, हरामी, कामुक, नीच प्रकार का आदमी था। पहले उसने कैथी को धोखा दिया जिसने उसे अपने घर पर 2 साल तक रखा, फिर उसने एला के साथ अवैध संबंध बनाकर एला और लेस की लाइफ को बर्बाद कर दिया, फिर उसने वैन मकान मालिक की पत्नी के साथ संबंध बनाकर उन्हें भी छोड़ दिया। वह चाहता तो डेनियल को फांसी से बचा सकता था लेकिन उसने यह भी नहीं किया।